नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ने की अपील की। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सभी धर्मों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विभिन्न मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अलग अलग स्थानों पर अपील कर सभी धर्म को मानने वालों से कोरोना को हरियाणा में हराने का आह्वान किया। वहीं फरीदाबाद जिले के बुड़िया से इमाम हुसैन अहमद पीरजी ने कहा है कि आज भी पूरी दुनिया में कोरोना नाम की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और इससे बचने के लिए हुकूमत, डॉक्टर और विशेषज्ञों ने जो भी बताया है उसको अमल में लाना चाहिए। इमाम हुसैन की तरह ही फरीदाबाद से इमाम मौलाना मोहम्मद मयूर रहमान नरदानी व मौलाना आबिद नदवी तथा इसके अलावा इमाम मुफ्ती मुश्ताज बुद्दीन ने भी अपनी अपील में लोगों को दरखास्त करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के चलते विभिन्न देशों में लॉकडाउन किया गया है, इसलिए हम सभी भी और हम सब का दायित्व भी बनता है कि हम हुकूमत के लिए नए रास्ते पर चलें और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार के मकसद के तहत देश में नागरिकों की देखभाल व सेहत को बनाए रखने में मदद करें। अगर किसी प्रकार की खांसी, जुकाम, नजला हो तो ऐसे में व्यक्तियों को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। पुलिस व प्रशासन की मदद भी करनी चाहिए। पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। घर पर रहें, सड़कों पर न निकलें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करें। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। मैं आबिद नदवी फ्रॉम ईदगाह सेक्टर 6 फरीदाबाद आप हजरात के सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। कोविड 19 के चलते इस वक्त पूरी दुनिया और हिंदुस्तान बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। आप हजरात रोज़ाना सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस चीज़ का सर्वे करते हैं। यकीनन इस मौके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मस्जिदों में ना आना, अपने घरों में रहना, सड़कों पे ना निकलना और वाहियात किस्म की चीज़ों से बचना। अगर हम अपनी हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो यकीनन इस बीमारी से हम कोसों दूर होंगे। अदरवाइज़ तो हम अगर इस बीमारी में किसी भी तरीके से हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हिफाजत के लिए, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए हम हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर हम बाज़ार भी जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। हम अगर सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं तो उसके पास ग्लव्स है या नहीं है। अगर हम कोई सामान ला रहे हैं तो उसको सैनिटाइज किया गया है या नहीं किया गया है। हम मस्जिदों में ना जाएं, हम यूं ही किसी ऐसा आदमी से ना मिलें जो सोशल डिस्टेंसिंग का खुद मुकल्लफ नहीं हो पा रहा है। हम उस आदमी से ना मिलें जो इसमें लापरवाही बरत रहा है। हम अपने घरों में रहें और इस चीज़ का पालन करें। हम हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो उन्होंने हमें बताया है उस चीज़ पर अमल करें। एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तबलीगी जमात से जो लोग खासतौर से मरकज़ निज़ामुद्दीन से आए हैं या गुज़िश्ता वक्त में गए हैं, उनको चाहिए कि वो हुकूमत को इन्फॉर्म करें, वो बताएं कि हम मरकज़ निज़ामुद्दीन से आए थे। अगर उन्हें कोई बीमारी है तो इलाज कराएं, या वो कहीं जमात में अगर चल रहे हों और उनको अच्छा खासा वक्त हो चुका हो तो वो इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम इतने दिनों से बाहर हैं, हम निज़ामुद्दीन नहीं गए हैं, और अगर गए हैं तो फिर यकीनन उन्हें अपना टेस्ट कराना चाहिए। जैसा कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ कुछ लोग वबा के शिकार हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और चंद ही बातों पर इक्तफा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम बूढ़िया से खानका से बोल रहे हैं, हुसैन अहमद, हमें आप पीर जी के नाम से जानते हैं। हम आज आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, परेशान है, महामारी है, ये एक अचानक खतरनाक बीमारी आई, इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए जो तदाबीर हुकूमत ने हमें बतलाई, डॉक्टरों ने और हेल्थ के माहिरीन ने, उस पर हम अमल करें और एक अपने रब से भी दुआ करें कि ऐ रब हमारी इस बीमारी को दूर कर दे और हम इस सिलसिले में हुकूमत का साथ दें
हुकूमत हमारे लिए सबकी भलाई के लिए कर रही है। हुकूमत जो कानून जो हुक्म सादिर करती है वो रैयत के लिए अच्छा करती है। तो इसलिए आप हम सब मिलकर पूरी इंसानियत के भलाई के लिए इस महामारी से बचने के लिए इस पर अमल करें कि जो हमें हुक्म दिया गया। नंबर दो, हम उन जमात के साथियों से जो या तो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, इलावा मरकज के भी बहुत से जमात वाले बाहर से आते हैं, तो उनको भी चाहिए जो मरकज निजामुद्दीन में थे प्रोग्राम में, उनको तो खुद अपने आप चाहिए कि वो खुद अज खुद जाकर अपना टेस्ट कराएं ताकि इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जाए। अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी है तो उसका इलाज हो जाएगा, और अगर नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मेरे भाइयों, हम इसकी फिक्र करें और हम साथ दें हुकूमत का, कानून का, और इस महामारी से बचने के लिए हम अपने भाइयों का, सभी का साथ दें। ये सब के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं है, ये पूरी कौम पूरी इंसानियत का मामला है। हम अपने सब भाइयों का भला करें। मैं मोहम्मद मुस्तजाबुद्दीन, मरकज मस्जिद ईदगाह, सेक्टर 19 बाबा नगर और फरीदाबाद से। कोई साथी अगर तबलीग जमात से वापस आया हुआ है तो उसके बारे में भी पुलिस प्रशासन को फौरन इत्तला करें, और जिसको नजला जुकाम खांसी है या बुखार है या बीमारी है उसको फौरन सलाह दें कि वो डॉक्टर से मशवरा करें और अपना इलाज कराएं। मैं तमाम ही बिरादरान वतन से, मुल्क के रहने वाले हर एक फर्द से यही दरख्वास्त करता हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। यह हमारी अखलाक़ी शरई जिम्मेदारी है, इसी पर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे तो खैर होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क से और पूरी आलम से इस कोरोना वायरस बीमारी को ख़त्म फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बरादरान वतन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, दुनिया में दूसरे तमाम ममालिक की तरह अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी मुकम्मल लॉकडाउन है, और ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ अपने देश के तमाम नागरिकों के सेहत के लिए है। इसलिए तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो हुकूमत के जो कवानीन हैं, जो उन्होंने लॉकडाउन किया है, इसका मुकम्मल एहतराम करें, और ये हमारी शरई और अखलाकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत उन तमाम पॉलिसियों पर अमल करें, जबकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों का तहफ़ुज़ है, सेहत के लिए तहफ़ुज़ है, इसलिए उस पर अमल ज़रूर करें। और साथ ही जो लोग बहकावे में आ रहे हैं वो किसी तरह के भगावे में ना आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी खांसी जुकाम नज़ला वगैरह हो तो फौरन हॉस्पिटल जाए या पुलिस प्रशासन को इत्तला करें, और इसी के साथ साथ जमात वगैरह से जो लोग आए हैं या कहीं गए हुए हैं उनको इत्तला कर दें, जहां कहीं हो फौरन अपना इलाज कराएं और हॉस्पिटल जाए और पुलिस प्रशासन को इत्तला करें।